मेरे अंदर में वह चीज़ है, ठीक है, इंसानियत बोल के भी कोई चीज़ होता है, अदरवाइज मैं अभी आपका नंबर और नाम दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, आपके इंतजार के बाद, काफी टाइम के बाद मनोज देखे चैनल पे आज वीडियो आ चुकी है। और दोस्तों उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया है, शायद दोस्तों आप लोग भी सुन के शॉक हो जाएंगे। और पूरा का पूरा जितना भी गुस्सा था ना, जो आठ दिनों से जो वो बर्दाश्त कर रहे थे दोस्तों, बहुत सारा गुस्सा उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर निकाल दिया। और वीडियो पता कितने मिनट की बनाई, 24 मिनट की। दोस्तों 24 मिनट की वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें बोली है, अगर आप लोग सुन लेंगे ना तो आप लोग भी खुद शॉक हो जाएंगे कि भाई बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि इंसान के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये वाली क्लिप सुनिए। अब आप बोलोगे कि हम लोग नहीं करते हैं, आपको मिलता है प्रमोशन क्या? आप करोगे? मिलता है, बताइए तो। घंटा ना एक मेल आता होगा कोई ब्रांड का कि प्रमोशन कर दीजिए, है ना? साफ बात, रियलिटी बोल दिया ना, अभी दिल में चुभा होगा ये बात। इस क्लिप को सुनने के बाद दोस्तों आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि जिन लोगों ने इनको रोस्ट किया है भाई, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भाई आप लोग आप प्रमोशन करते हो ऐसे यूट्यूब ऐसे एप्लीकेशन का, हम प्रमोशन नहीं करते, तो उन लोगों के लिए जो इन्होंने अभी बोला है वो बिल्कुल ही खुला तमाचा है। आप लोग खुद देख सकते हैं, बहुत ही ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोली गई हैं जो कि दोस्तों बहुत ही, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए दोस्तों ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा चुभते होंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, बहुत टाइम के बाद आज वीडियो आई है। और दोस्तों आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी आ रहा था कि आखिर ये सभी लोग हैं वो उनके पीछे क्यों पड़े हुए, मनोज दे के पीछे क्यों पड़े हैं। तो दोस्तों उसका भी उन्होंने खुद ही आंसर दिया है आज की वीडियो में, वो भी आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए थे क्यों पड़े हुए थे, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं दोस्तों ये चीज हुआ क्यों, इसका शुरुआत कहां से होता है। दोस्तों मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला था आज से 4 महीना पहले कि YouTube पे पेड मोनेटाइजेशन का जो काम चल रहा है वो गलत है। तो आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा कि आखिर इसका रीजन क्या था, आखिर इनके पीछे लोग पड़े क्यों थे। और दोस्तों उस ट्वीट की बात करें, जो ट्वीट इन्होंने 2-3 महीने पहले किया था, उसका ट्वीट का YouTube ने अब एक्शन लिया है। और यहाँ पर आप वो ट्वीट देख सकते हैं, कौन सा ट्वीट किया था कि वॉच टाइम को गलत तरीके से YouTube पे बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और YouTube ने क्या किया, पहले तो एक्शन नहीं लिया, अब 2-3 महीने के बाद एक्शन लिया है। तब दोस्तों जो लोग गलत तरीके से वॉच टाइम को बढ़ाते हैं उन लोगों को लग रही है मिर्ची। और दोस्तों वो लोग अब क्या हुआ, एक तरफ से आप ये समझिए हाथ धो के मनोज देख के पीछे पड़ गए कि इनके चैनल को डिलीट करा देंगे, इनके चैनल को भाई कुछ ना कुछ करके खत्म करना है। क्या आप बताओ 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल इतनी आसानी से आप लोग खत्म करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी ने 7-8 साल मेहनत की अपने चैनल पे, इसलिए की है कि आप उसको चुटकियों में डिलीट करा दोगे? इतनी भाई किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो उनके चैनल को खत्म करा के रख दे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हाँ मनोज दे ने जो किया, गलत एप्लीकेशन का प्रमोशन किया, देखिए एप्लीकेशन का प्रमोशन हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन नहीं करता। यूट्यूब पे कोई भी आता है, एडसेंस से उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। एडसेंस से अगर आप लोग अपने एडसेंस के ऊपर रहोगे तो जिंदगी में आप कभी भी यूट्यूब से पैसा कमा के कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा अगर आप लोग यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब के पैसे से अगर मान लीजिए कोई इंसान कुछ अचीव कर रहा है, तो आप ये सोचो 99% पैसा वो अपना स्पॉन्सरशिप से लगा रहा है और 1% पैसा उसका एडसेंस का है, क्योंकि एडसेंस से जो अर्निंग होती है वो बिल्कुल ही नाम मात्र की होती है, उससे कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलता है। जो मेन पैसा होता है वो होता है स्पॉन्सरशिप का, क्योंकि स्पॉन्सरशिप से आपको एक स्पॉन्सरशिप में इतना पैसा मिल जाएगा जितना आप पूरे महीने रगड़ रगड़ के 30 दिन 30 वीडियोज बनाओगे, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो जिन लोगों ने 8 दिनों में भाई उनके लिए कुछ ऐसे मतलब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स लाके खड़ी कर दी जो कि बहुत गलत था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी की रोजी रोटी जिस चीज़ से चल रही उस पर लात नहीं मारनी चाहिए। पर दोस्तों आप लोगों को पता, जो लोग वॉच टाइम बढ़ा रहे थे उनका काम था वो पूरी तरीके से ठप हो गया, वो बिल्कुल भी अब वॉच टाइम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनका जो भी रोजी रोटी थी वो उनकी भी छिन गई। अब आप सोचो मतलब ये चीज़ है कि वो लोग मनोज दे को इस बात से गलत ठहरा रहे हैं, पर आज की वीडियो आ गई है मनोज दे की। और दोस्तों उस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर सकते हैं, 24-25 मिनट निकाल के आप लोग उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वीडियोज बनाई थी कि मतलब 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मनोज दे के चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गई हूँ, मनोज दे के चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गई हूँ। तो मैं आपको बता दूं उनके चैनल पे सिर्फ 1 ही स्ट्राइक आई थी,
वो आई थी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो कि यूट्यूब ने उनको दी थी। उन्होंने एक वीडियो के अंदर एक इंटीग्रेशन वीडियो का प्रमोशन किया था और उससे उनको स्ट्राइक मिली। बाकी आपको सब कुछ जो डिटेल में जानना है वो दोस्तों उनकी वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप जाके उनके चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उनके चैनल पर आज जो वीडियो आई आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी था सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। अब जो कंट्रोवर्सी उसका लास्ट हो चुका है क्योंकि अब उनके चैनल पर वीडियो आ चुकी है। जितने भी भौंकने वाले थे अब वो उनका मुंह है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। अब जो भी भाई जो बक रहे थे इतने दिनों से अब कोई भी नहीं बकेगा। बस अपने काम पे ध्यान दो भाई, अपने कंटेंट से मतलब रखो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बस किसी के साथ जो भी हो रहा है पर वो गलत हो रहा था, ठीक है। जितना भी लोग कर रहे थे वो सब गलत कर रहे थे, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इतना आप करोगे तो देखो आगे चल के आपके साथ भी ऐसा होगा। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर आप मान लीजिए इतना दूसरे के साथ गलत कर रहे हो, अगर दूसरे के पास इतनी ऑडियंस है, अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आपको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इतना लोग नहीं सोचते हैं। तो बाकी दोस्तों अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है, पूरी डिटेल्स के साथ आपको पता करना कि आखिर क्या हुआ, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, जो वॉच टाइम वाले थे वो उनके पीछे पड़े थे, उनके चैनल पर रिपोर्ट मार रहे थे और उनके चैनल को डिलीट कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने यूट्यूब इंडिया को टैग करके ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि वॉच टाइम को गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है। बस यही एक रीज़न था कि ये सारी जो कंट्रोवर्सी है वो छिड़ गई और 8 दिनों में मनोज दे के ऊपर हजारों वीडियोज़ बन गई। और उनके भाई अभी सर्च करोगे तो उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मनोज दे का चैनल डिलीट 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 ऐसी वीडियोस बन रही हैं। तो आप लोग भी भाई सावधान रहो, आप लोग भी कोई ऐसे काम मत करो, किसी के चैनल के साथ छेड़छाड़ मत करो। आप लोगों को पता है कि एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करके अपने चैनल को यहाँ मुकाम तक ला सकता है। 1000 सब्सक्राइबर्स भी अगर आप अपनी मेहनत से करोगे ना तो आपको अपने 1000 सब्सक्राइबर्स की वैल्यू पता होगी कि मैंने किस तरीके से अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। और 4000 घंटे का वॉच टाइम करोगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा किस तरीके से आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यही नॉलेज देने के लिए बताया था कि मतलब ये जो कंट्रोवर्सी उसका लास्ट हो चुका है, मनोज दे के चैनल पे वीडियो आ चुकी है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।